यहाँ पे जिस भी पेशेंट का ऑपरेशन करना पड़ता है। नाम बोला तोर? राम भगन दास। राम भगन दास, कता घर बोला? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने पेशेंट को घर ले जाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं जामिया सैदना बिलाल भोकराहा सुनसरी नेपाल का जो मदरसा है, यहाँ पर जो आँख का जो चेकिंग चल रहा है, इसके लिए ऑपरेशन या आँख के बारे में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी हो, तो यहाँ पर शिविर लगा है चेकिंग करने के लिए। अभी हम अंदर चल रहे हैं जहाँ पर शिविर लगा हुआ है और वहाँ पर लोग नाम लिखवा करके चेक कर रहे हैं। यहाँ पर इस बिल्डिंग में रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा था, ये देख सकते हैं, यहाँ पर नाम लिखा जा रहा था, अभी भी लिखा जा रहा है। नाम लिखने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, और ये जो यहाँ पर आप लोगों की भीड़ नज़र आ रही है, यहाँ पर नाम लिखने के बाद में लोग अपना अपना पर्चा लेते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोगों की आप लोग भीड़ नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो है सारे लोगों का चेकअप यहीं पर किया जाता है। अब हम चलते हैं कोठा नंबर 5 की तरफ और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या काम होता है। ये कोठा नंबर 5, अंदर में यहाँ पर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जिस भी पेशेंट का ऑपरेशन करना पड़ता है, वो पेशेंट का ऑपरेशन करने के बाद में लेंस कितना पावर का लगाया जाता है वो चेक होता है यहाँ पे, और दूसरा बात चश्मा का पावर कितना लगता है। जिसको वहाँ पे हम रेडीमेड चश्मा लेके आए हैं, जिसको वो पावर नहीं लगता है, जिसको दूर का भी पावर लगता है, वो दूर और नज़दीकी मिला के जिस एक एक ही चश्मा में जो पावर एडजस्ट करके देना पड़ता है, वो पावर के लिए भी यहाँ पे चेक होता है। यहाँ से फाइनल चेक होता है ऑपरेशन के लिए, उसके बाद में एंट्री होने के बाद ओटी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ जो दूर दूर से पेशेंट आए हुए हैं उन लोगों से हम कुछ बातचीत कर लेते हैं, इन लोगों का फीडबैक जान लेते हैं कि यहाँ आने के बाद इन लोगों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई, और इन लोगों का ट्रीटमेंट किस तरह हुआ है, नहीं हुआ है। तो चलिए हम चाचा अंतरा से कुछ बात करे चाहे चेत। नाम की बोला तोहर? रामजीत पासवान। रामजीत पासवान, पासवान कता घर बोला? वीरपुर। वीरपुर, अच्छा, तो इतना कहिया ऑपरेशन बोला? कल। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी ना? कोनो दिक्कत, कोनो से पैसा वैसा नहीं लगला? कनिया में दुख तकलीफ तो हते जे कते रो ले के चल हते रे, भीड़ लागे छे त खरो तेरे भइए जैसे कोनो दिक्कत नै छे, एकदम खुश छ न? हमही जा छिए, बहुत चल रहा। तोर से चा नाम की भेलै? रामसागर पासवान। हां, रामसागर पासवान। रामसागर पासवान कता घर भेलो? बसमतिया। अच्छा ल, त सब कुछ ठीक ठाक रहल, कोनो दिक्कत नै? नै, सब ठीक। तोर नाम कथी भेलै? मोहम्मद मंसूरी। कता घर भेलो? भोगरा दुई नंबर। तोर चाचा? एटी बोगरे दुई नंबर। बोगरा दुई नंबर में ठीक ठाक रहा, कोनो दिक्कत ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हम कुछ और भी पेशेंट से बात कर लेते हैं, मैं देखता हूँ अगर कोई दूर का अगर पेशेंट होगा तो मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। एटना से तुम्हारा कोई दूर के पेशेंट छा, दूर से आयल छा, कोई सप्तरी से, सिरहा से या पश्चिम की तरफ से? हाँ, चिलमिलिया से। कथी नाम बोला? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी जी, चिलमिया तरह इंडिया में पड़े छे ना? हाँ। तो कल ऑपरेशन में ठीक ठाक, कोनो दिक्कत ना? दिक्कत नहीं, बहुत लाख लाख शुक्रिया। चलो, जे भी
एकरा जे भी ऑर्गेनाइज करलक है, एकरा जे भी चाहे हुआ मेची आई आँखा अस्पताल की तरफ से हुआ या ये कि अलहसान चैरिटेबल एंड फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम राखल गए है, जैमे से देख सकै छ कल जे लगभग 100 आदमी एठना से घर जा चुके अपन अपन काम करके, और यहाँ पर फिर भी हमारे ख्याल से लागे 100 के करीब करीब आदमी होना चाहिए जे सबके इंतजार में बैठल छे कि डॉक्टर अखन आए दिन सबके आँख से पट्टी हटेते और बाद जैसे कंडीशन चेक करके और बाद इस सबके घर जाए देते। तो हम यहाँ पर कुछ और भी चाचा से बात कर ले, चाचा तो नाम और मोहन मेहता। मोहन मेहता कदा घर बेलो? इनरवा नौ कहिया ऑपरेशन बेलो? कल। तो अच्छा खाना इंतजार में छो, डॉक्टर दे दें कि पट्टी हटा कर बतरा के घर जल मिलते छे ना? हाँ जे कथी करते आप जे हाँ ठीक है चला। तोर नाम कथी बोले? हमारा मुस्लिम अंसारी। ए तू तो 9 नंबर के छात्र जाने छे हम। ले ले बहुत शुक्रिया। नाम बोले तोर? नाम भगन दास। राम भगन दास कता घर बोलो? बलहा पाँच कता इंडिया पड़े छे? नेपाल बाबू। इनरवा बलहा। इनरवा बलहा अच्छा अच्छा। तो कल ऑपरेशन भए गए तोरा आर के? तो एक तरह ऑपरेशन भेल है तोहर? तो आँखि के पट्टी कदा खुल गए तब? अच्छा अच्छा खोल लगा है। अच्छा एक दोसर आँख फिर करता? अच्छा अच्छा ला तो मतलब बढ़िया तोरा आर के। चाचा तोर नाम कथी बोला? अब्दुल गनी बोले। कता घर भेल? घर छिलमिलिया। छिलमिलिया जी। अच्छा तो कहिया ऑपरेशन भेल तोर? कल। तो एठना आबिके केना की कहल चाहब जेना इलाज करलके है तोरा मेची आँखा हॉस्पिटल के सहायता से और अलहसान चैरिटेबल एंड फाउंडेशन की तरफ से काम भेले है, एक बारे में की कहल चाहब? बहुत अच्छा भेले, यहाँ सब कुछ के व्यवस्था भेले, सुख शांति से रहा लिए, खान पीन भेले, सब कुछ के व्यवस्था भेले। सुतैयो एकदम से कोनो दिक्कत नै? नै दिक्कत भेले। अब गर्मी के जना मौसम अखन ते गर्मी जना चल रहल छै तो ओहि हिसाब से पंखा उनका दे? अब गर्मी के मौसम चल रहा है, अब सब जगह पर तो प्रेशर पंखा तो नहीं भेले भेले फिर भी जते मतलब तेरा अरेंज कर लगे जो सबका सहूलत मिले सहूलत मिले। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख सकते हैं दोस्तों आँख से जो है पट्टी खोलने का, इस तरह जो है पट्टी खोल करके इसके बाद इन लोगों का काम क्लियर हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। अब डॉक्टर जो है चेक करने के बाद इन लोगों को घर जाने के लिए इजाज़त देंगे या उनको कोई सलाह अगर देना चाहेंगे तो लोग देंगे। देख सकते हैं दोस्तों लोगों की भीड़, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने पेशेंट को घर ले जाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ये अंदर में पेशेंट जो है बैठ करके अपनी आँखों से पट्टी उतरवा रहे हैं, जबकि आज आखिरी दिन है और यहाँ का जो कोटा है ये फुल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये देख सकते हैं ये उन लोगों की भीड़ है जो कि नया पुर्जी बना करके अपने आँखों की चेकिंग कराएंगे और उसके बाद में डॉक्टर जो सलाह देंगे इन लोगों को उसी हिसाब से ये लोग काम करेंगे।